लोक निर्माण विभाग ने मानसून की दस्तक देने से पहले ही सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सरकारी मशीनरी चाक चौबंद कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मशीनरी का प्रबंध करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के सभी मंडलों को दे दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता NPS चौहान ने बताया कि मानसून आने पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के साथ ही अन्य समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सभी मंडलों के अधिशांशी अभियंताओं को मानसून के दौरान उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अवगत करवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग की एक विशेष टीम जिला प्रशासन के संपर्क में रहेगी, जो किसी भी आपात स्थिति में समस्या के समाधान के लिए कदम उठाएंगे। गौरतलब है कि NPS चौहान हमीरपुर लोक निर्माण विभाग मंडल में बतौर अधिशासी अभियंता अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब पदोन्नत होकर अधीक्षण अभियंता के रूप में हमीरपुर वित्त में कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद आने वाले मानसून को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही विशेष योजना बनाकर अधीनस्थ अधिकारियों से बैठक कर उसे अमली जामा पहनाए जाने की रूपरेखा तैयार की है। अभी अपकमिंग मानसून के लिए विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। विभाग के पास काफ़ी मशीनरी है, लेकिन हमने अपने अधिशासी अभियंताओं को डायरेक्शन दे रखी है कि जहां जरूरत पड़ेगी वो मशीनरी हायर करें और जब सड़कों को एकदम से खोला जाए। इसके अलावा हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी इन टच हैं। जैसे ही इन्होंने कोई अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन का भी एक सिस्टम है, उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम से जैसे ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दिन रात जब भी सड़क कहीं बंद होगी तो हम उसको तुरंत खोलने की कोशिश करेंगे। PL TV के लिए हमीरपुर से रूपलाल शर्मा की रिपोर्ट।